हमारा पेंटाप्रोजोल सिर्फ 10 रुपए का मिलता है। जो हमारी वर्कर्स है, फील्ड की वर्कर्स है, जो अपने एरिया में जब जाएंगी, तो आपसे इजाजत चाहती हूँ, तो आप अपना कैरी कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर कमिंग, गुड आफ्टरनून। क्योंकि ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ये बहुत डीप इंटीरियर्स तक जाती हैं। बड़ी सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हेल्दी, और ये जो आपको पता ही है, हम तो सब औरतें देखती हैं, हमें सस्ती चीज़ें तो बार्गेन भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून और मैं हूँ आपका मेज़बान जान मोहम्मद। सर, सीधा हम आपसे सवाल पूछेंगे, जो आज का जन अशदिया प्रोग्राम आपने यहाँ पे मुनक़द किया हुआ है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? आप हमारे नाज़रीन को लिए क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे सर इस प्रोग्राम के हवाले से? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ़ से, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। मैं वजाहत हूँ, कॉरपोरेटर ऑफ लाल चौक। ये जो आज का प्रोग्राम मुनक़द, प्रधानमंत्री उनकी वसादत से ये प्रोग्राम एक स्कीम चली है। वी आर ट्राइंग टू गिव द अवेयरनेस टू द लेडीज़, उनके जो लेडीज़ इश्यूज़ होते हैं। आज हमने छोटा बहुत कुछ इनमें जो दवाइयात, उनके सैनिटरी आइटम्स, वो हमने प्रोवाइड किए। बेसिक है तो टू कीप हेल्दी एंड क्लीननेस इन दिस रिगार्ड, यही हमारा इसका एक बेसिक मोटिव है। हमने जो हमारी ICDS के बेनिफिशरीज हैं, उनको बुला के उनके थ्रू इसको और आगे प्रचार, लोगों तक अवेयरनेस करने का प्रोग्राम, दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस स्कीम। तो कोशिश कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स, तो आगे आगे भी हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो प्रोग्राम आज आपने स्टार्ट किया है, फिलहाल ये प्रोग्राम कब तक जारी रहेगा? अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये स्कीम चलेगी, मुझे लगता है हम वार्ड वाइज इसको मुनक़द करेंगे, इट विल रन अप टू 1 मंथ, और इन फ्यूचर भी हम इसको रोटेशन पीरियड पे, आज इसका दिन मुकर्रर हुआ, आगे रोटेशन पीरियड पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने अपनी वार्ड लेवल के बेसिस पे किया हुआ था, अब ये पूरी स्कीम के तहत सारा प्रोग्राम आ गया। उम्मीद है कि हम कोशिश करें कि इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ एक आम आदमी तक पहुँचे, ये हमारा एक मोटो है। ये बात जानना चाहूँगा, जो अभी हमारे घरों के अंदर माँ बहनें जो बैठी हुई हैं, हमारे प्रोग्राम देख रही हैं, इनके लिए आपका क्या मैसेज है? प्रोग्राम तो थ्रू आउट स्टेट या थ्रू आउट कंट्री चलता है। अब हमने थ्रू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसको यहाँ बूस्ट करने की कोशिश की, वहाँ भी हमारे MCs हैं, म्यूनसिपल काउंसिल, जो बाकी इदारे हैं, तो हर एक जगह इसकी कोशिश करती है। अब सिटी में इसका जो पब्लिसिटी ज़्यादा मिलती है, गांव में चलता है ये प्रोग्राम, अब वहाँ की पब्लिसिटी वो पसमरे आम पे नहीं आता है। हमारा यही मकसद था कि उन तक भी ये प्रोग्राम पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए इस चीज़ का। मकसद ये है कि जो हमारे लोग हैं, इनको एक तो सस्ती दवाई मिले। देखिए, जैसे आप अगर हम ओवरऑल जनरल की बात करें, पेंटॉप तो आप सब खाते हो, कितने की आप पेंटॉप लेते हैं वैसे मार्केट से, कितने की लेते हैं? 80, 50 तो कम से कम है ना, लेकिन हमारा पेंटाप्रोजोल सिर्फ 10 रुपए का मिलता है एक स्ट्रिप। हमारा ये है कि थोड़ी सी जनरिक अवेयरनेस है, जनरिक और ब्रांडेड में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप कैल्शियम किसी ब्रांड से खाते हैं और उसमें भी कैल्शियम विटामिन D3 होता है। तो अगर अभी काफ़ी डॉक्टर साहब हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सब हर कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, ताकि हमारे जो लोग हैं जिनकी दवाइयाँ महीने में 10-10 हज़ार रुपये की आती है, और अगर वही दवाई 10 रुपये की आए, 8-10 हज़ार महीना तो लगता ही है दवाइयों पर, वो रिड्यूस होकर 2000 पे आ जाएगा, क्या उससे तो घर का कोई फर्क? तो हम अपने बच्चियों के एजुकेशन पे तो वो पैसा खर्च कर सकते हैं ना। तो जेनरिक मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल वही WHO GMP कंपनीज मैन्युफैक्चरर है, वही सिस्टम है, वही फार्माकोपिया है, कोई फर्क नहीं है। और हमारा जो ये जन औषधि मेडिसिन है, इसकी एक पहचान भी है। जो तालीम याफ्ता होना होता है तो वो एक घर के लिए है, लेकिन जहाँ तक मेरी आंगनवाड़ी वर्कर का ताल्लुक है, तो वो उस एरिया के लिए एजुकेटेड होती है आपकी वसासत से, कि ताकि जो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ की होगी, जो भी आपका यहाँ का होगा, तो उस ज़िम्मे में रह के हम ये कहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर वो फोकल पॉइंट है, जहाँ पर हमारी रसाई होगी उन लेडीज़ तक जो लोग आप तक नहीं पहुँच सकते हैं। चूँकि ऐसा प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वक्तन फ़क्तन करते आए हैं, आजकल हम इन जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे रिलेटेड हम मेडिकल के साथ वाबस्ता है, या रूरल डेवलपमेंट है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ भी जा रही है, तो जो ये एक प्रोग्राम आज का है कि स्पेशली जिसमें हमारे में ये देखा गया कि अगर कैल्शियम की कमी है, उसकी डिफिशेंसी है, या आयरन की है, या स्पेशली जो ये आज का प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर किया है, कि जो हमारी वर्कर्स है, फील्ड की वर्कर्स है, जो अपने एरिया में जब जाएंगी,
तो आपकी मदर्स मीटिंग होती है, आपका वहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप ये आगे चलाएंगी कि हमने वहाँ पर क्या सीखा, हमारे में क्या उन्होंने जागृति की या उन्होंने हमें क्या समझाया, जो आप तक पहुँचेंगी उनके जरिए। क्योंकि मैडम हमारे यहाँ पर 1186 आंगनबाड़ी सेंटर्स है, वो दैट मीन्स कि हमारे उन इलाके के सभी बच्चियाँ बेटियाँ माएँ हमारी सब अवेयर हो जाती हैं जब हम एक आंगनबाड़ी वर्कर को एजुकेट करते हैं, समझाएंगे तो आप ये बिल्कुल। और मैडम एक चीज़ है कि जो आपने गिफ्ट के साथ पंपलेट्स का ज़रूरी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये अपने एरिया में जाएंगी तो अपने आंगनबाड़ी के थ्रू ये बांटेंगी ताकि ये पता लग जाए ये स्कीम क्या है और स्कीम के साथ जुड़ी हुई आपकी सहूलियत क्या है, आप कंफर्टेबल रहोगे ठीक है ना हो जाए, क्योंकि ब्लड जो होता है ना एक मीडियम है, इसमें जल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो ये इंसान को इन्फेक्ट करेगा। काफ़ी दही खाइए, उसमें प्रोबायोटिक होता है, वो फ्लोरा के लिए इंटेस्टाइनल इंटरनल फ्लोरा के लिए अच्छा होता है। काफ़ी सारे फ्रूट्स लीजिए आप इन दौरान, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और आप गार्लिक ले लीजिए इन दिनों, गार्लिक में ईस्ट्रोजन होता है, सो ईस्ट्रोजन इज़ गुड, जिससे मसल क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द होता है, हिकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती है, उसमें फ़र्क आ जाएगा आपको पेन में स्पेशली, क्योंकि ईस्ट्रोजन उसके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। और एक कई औरतों को ऐसा भी तो मूड स्विंग्स होती होंगी प्री मेंस्ट्रुअल, ब्लोटिंग, वजन बढ़ जाना ब्लीज से, तो उसमें वो हेल्प करेगा अगर आप गार्लिक की चटनी खाएंगे, सब्जी में गार्लिक खाएंगे, ठीक है। पानी बहुत पीना चाहिए, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, सीक हेल्प, डॉक्टर एक टेस्ट करे या टेस्ट के बगैर उसको एग्जामिनेशन से पता चलेगा कि आपको क्या है, सो वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई खाने को देंगी, या एक दिन खाना पड़ेगा, दो दिन या दस दिन, दैट्स इट, वो भी ज़्यादा नहीं, एक या दो टैबलेट्स, और आप फिर पूरी ज़िंदगी भर उससे हेल्दी रहोगे। सो आई थिंक लेडी शुड फील हैप्पी, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, फील हेल्दी, और ये जो आपको पता ही है, हम तो सब औरतें देखती हैं हमें सस्ती चीज़, हम तो बार्गेन भी करते हैं, तो ये आपको मिल ही रहा है जनश्रुति से, तो ये पैड्स यूज़ कर लीजिए, अपनी बच्चों को यूज़ कराइए, अपने नेबरहुड में अपनी फ्रेंड्स को, अपनी कज़न्स, माओं बहनों को, सबको यूज़ कराइए, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फिजियोलॉजी है एक औरत की, ना इसमें कोई शर्मिंदगी है हमें, ना होनी चाहिए, और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस लेना चाहिए। बट अपनी सारी ख्याल, अपने आप का ख्याल रखना, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है,